राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यूपी में है और इसका यूपी में कितना असर होगा, आइए जानते हैं अमेठी के लोगों से। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यूपी में है और कितना असर होगा इसका इस पे? देखिए, राहुल गांधी जो है न्याय यात्रा में निकले हैं, भारत की जनता में जो कटुता थी उस कटुता को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, मेल मिलाप कर रहे हैं, धर्म जात की भावना से ऊपर उठकर जो है राजनीति करना चाहते हैं। आज निश्चित रूप से जो है देश में जो भी विकास की जो है हुआ है तो कांग्रेस की दी हुई है विकास का, और विकास होना चाहिए। लेकिन मैं जानना, आज बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, तमाम तरह के मुद्दे हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज उद्योग धंधे की ज़रूरत है, लोग तमाम पेपर 10 एग्जाम हुआ उत्तर प्रदेश में जो है, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं। क्यों लीक हो जाते हैं? तरह तरह की बातें, लड़के जो है एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, एक एक दो दो साल चार चार साल पढ़े हुए इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, लखनऊ में पढ़े हैं, दिल्ली में पढ़े हैं, लीक हो जाने के बाद निराश होते हैं बच्चे जो है। उनको रोज़गार चाहिए, रोजगार की आवश्यकता है। इस यात्रा का कितना असर होगा यूपी? बहुत असर होगा मेल मिलाप से, और अच्छी सीटें मिलेगी, इस बात को बताएगा कि हाँ सरकार किसकी बनने जा रही है। ये अभी भाई साहब कुद्दूस जी कांग्रेस के नेता ने कहा कि धर्म जात की राजनीति करती है, इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि भारत का बंटवारा किस आधार पर और किसकी सरकार ने किया था। मैं इनके लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये गांधी से कब नेहरू बन गए, नेहरू से कब बाड्रा बन गए, इन लोगों को खुद नहीं पता है कि क्या होना चाहिए। बात राहुल गांधी की करते हैं, ये अमेठी अब जो खुशहाल अमेठी है, इस अमेठी एक खुशहाल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है, और ये कह रहे हैं पेपर लीक हो जाता है, ये हमें बताएंगे पेपर लीक कैसे होता है? पहले न्यूज बाद में आती थी, पहले समाचार बाद में चलता था, पहले आता था, सावधान रहिए, इस बस पे बम भी हो सकता है। दिन भूल गए जब तहसीलों में और कोर्टों में धमाका होता था? ये फालतू की बातें कर रहे हैं, निश्चित रूप से दगा हुआ पड़ाका साबित होने जा रहे हैं एक बार फिर राहुल गांधी, और कांग्रेस अपने आखिरी चरण में, अंतिम चरण में पहुंचने वाली है। इससे ज़्यादा इनके लिए, मेरे कांग्रेस के लिए कोई ऐसे शब्द नहीं है। कितना असर होगा राहुल गांधी? महोदय जी, 70 साल या 72 साल जितने दिन कांग्रेस रही, क्या उस समय नहीं जोड़ पाई? उस समय तो तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया था, अब तो जोड़ के मोदी जी खड़ा कर दिए भारत को। आज लोग यहाँ के विकसित राष्ट्र का एक नया निर्माण हुआ है, और मोदी जी जो किया है वो किसी कांग्रेस नहीं कर सकती। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, 62 सीट लेके फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी खड़ी हो गई है। आगे का जो निर्णय है वो आगे बनता रहेगा। बीजेपी ने जो कार्य किया कांग्रेस नहीं कर सकी, और कांग्रेस एकदम फ्लॉप है। जो बुरा काम किया वो सब कांग्रेसियों ने किया। आज ये तो सिर्फ बचाने के लिए अपनी बातों को रख रहे हैं लोग कि कांग्रेस कांग्रेस, कांग्रेस का कोई मेंबर रह ही नहीं गया। कांग्रेस परिवारवाद, कांग्रेस ही तो है जो कांग्रेस के लिए राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा आ जाएंगे, सब गांधी परिवार। अरे बीजेपी में तो कोई एक बात चला ही नहीं, बीजेपी तो बदलती रहती है, कभी मोदी आएंगे, कभी योगी आएंगे, हर जात व्यक्ति विशेष के अलग लोगों को नियुक्त किया जाता है, और लोग लड़ते रहते हैं, देश की सेवा करते रहते हैं। कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है। कांग्रेस लड़ाने का काम किया था, कांग्रेस जोड़ने का काम कभी किया ही नहीं था, और कांग्रेस आज भी जो न्याय यात्रा लेके चली है, ये सिर्फ जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम किया है। और बीजेपी हमेशा कांग्रेस ने तोड़ने का काम किया, कोई काम नहीं किया, निराधार है। और कांग्रेस ने समय जोड़ने का प्रयास किया, अब चुनाव होने जा रहा है, इसका रिजल्ट आप देखिएगा कांग्रेस कितनी सीटें मिलती है। दो लड़कों की जोड़ी क्या कमाल कर पाएगी? एक बार कमाल कर चुकी है, दोबारा फिर कमाल करने जा रही है। इन्हें 1975 की इमरजेंसी नहीं याद है, उस समय कांग्रेसियों ने न्याय नहीं दिया भारत को, सिखों का दंगा हुआ, नरसंहार हुआ, उसके लिए न्याय नहीं दिया, पिता के हत्यारे को सजा नहीं दिला पाए, उनको न्याय नहीं दिला पाए। आज न्याय दिलाने चले हैं। 12 बजे अमेठी वोटिंग हो जाती थी, लोकतंत्र की हत्या होती थी कांग्रेस समय में, अब सब जनता वोट डाल रही है, ये न्याय दिलाने चले हैं। अमेठी को न्याय नहीं दिला पाए, इनके सांसद ने इसका पैसा वापस चला जाता था, अमेठी का विकास नहीं कर पाए, एक मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पाए, एक टेक्निकल कॉलेज नहीं खोल पाए, यहाँ की बाईपास ओवरब्रिज कोई भी ऐसी योजना नहीं ला पाए जो जनहितकारी हो। कहीं फूड पार्क बताते हैं, कहीं RRR बताते हैं, कहीं रेल लीन बताते हैं, इन योजनाओं का कहीं ना आता था ना पता था, शिलान्यास होकर चले गए, कोई योजना ला नहीं पाए। आज अपने गांधी भाई वरुण गांधी को न्याय नहीं दिला पाए, उनके चाचा खत्म हुए, तुरंत उनकी
उनके पत्नी को, उनके लड़कियों को, 5 साल का लड़का था, निकाल दिए घर से और न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो अपने अपने जीवन का किन का निर्णय नहीं कर पाए, एक शादी नहीं कर पाए, राजीव जी की वंश वृद्धि हो, एक किसके साथ न्याय करेंगे जो अपने साथ न्याय नहीं कर सकता। अरे अंग्रेजों के साथ न्याय नहीं करते भाई वरुण गांधी और मेनका गांधी। क्या सपा और कांग्रेस मिलकर योगी मोदी को रोक पाएंगे? कतई नहीं रोक पाएंगे। न सपा के अंदर दम है, न कांग्रेस के अंदर दम है, न बसपा के अंदर दम है और न आपके अंदर दम है। तो केवल भारतीय जनता पार्टी में ही दम है कि सभी पार्टियों का सफाया कर देगी और देश के प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र मोदी होंगे। इसका एग्जाम्पल आपने देख, चंडीगढ़ का जो हुआ था, चुनाव हुआ था, मेयर का चुनाव हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। किस तरह चुनाव हुआ? इसके अलावा देखिए, अभी चंदे के मैटर पर आया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है कि चंदे का हिसाब किताब होना चाहिए, कहां से आ रहा है, कहां से नहीं आ रहा है। लेकिन हमारा कहना यह है कि भारतवर्ष में जो है, जो भी सरकार है या जो भी सरकार आवे, उसके उसका काम जो है देश के विकास के लिए काम करे और साथ साथ उनको रोजगार मिले नौजवानों को, बेरोजगारी दूर हो, महंगाई दूर हो, भ्रष्टाचार दूर हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। देश का विकास हो, लोग पढ़े लिखे नौजवान साथी, उनको रोजगार अच्छा अच्छा मिले जो है, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा। लोग परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, तमाम सुसाइड कर ले रहे हैं लोग, ऐसी तरह से घटनाएं हो रही है। क्या लगता है कि सपा और कांग्रेस का हाथ मिलाना यूपी में संजीवनी साबित होगा? नहीं, कोई उसका असर नहीं होगा भाई साहब। दोनों दगा पड़ाका है, ये सब अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। ये लोग जो है सोच रहे हैं कि दोनों मिला करके अगर हम लड़े तो मान लीजिए 2% 3% वोट हमारे बढ़ जाए, इससे हमारा वजूद बचा रहे, तो इसलिए इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि इन लोगों की ना तो नीयत सही है और ना ही इनके नियम कानून सही है, ना इनकी सोच सही है। दो लड़के एक साथ आ रहे हैं यूपी में और इसका कितना असर होगा? क्या लगता है कि बदलाव लाएंगे ये? देखिए, दो लड़के जो आ रहे हैं इनका टाइम समाप्त हो चुका है, ये काफ़ी देर कर दिए आने में। एक दूसरा ये कि विचार बहुत बड़ी शक्ति होती है, जिसके विचार उत्तम नहीं है, जनता के प्रति जिसको लूटने खाने की जो है वो आदत हो, जिसको ये हो कि फूट डालो राज करो, जिसको ये हो कि हमेशा जो है वो तुष्टिकरण करो, जिसको ये है कि हमेशा मुस्लिमों के पक्ष में कानून बनाइए, जिसको ये हो कि बहुसंख्यक लोगों के लिए आज तक कोई कानून नहीं बनाया, उनके मंदिरों को लेकर के उनके पैसे से, टैक्स के पैसे से जो है वो मुस्लिमों का पालन पोषण करते रहे, इस प्रकार की सोच रखने वाले, इस प्रकार का विचार रखने वाले दो लड़के नहीं, 4 लड़के मिल जाए, 15 लड़के मिल जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज इनकी नीतियों से पूरा देश वाकिफ हो चुका है। और जहां तक रही बात न्याय यात्रा की, तो जो अपनी पार्टी के नेताओं को न्याय नहीं दिला सके, 2014 से लगातार कांग्रेस टूट रही है, खत्म हो चुकी है, अंतिम सांसें गिन रही है, जनता सब देख रही है, टाइम बीजेपी का है। आपको याद होगा एक बार सदन में जब अटल जी हुआ करते थे तो कांग्रेस के लोग बीजेपी के 2 सांसदों पर हंसा करते थे और अटल जी ने उस समय कहा था कि एक समय ऐसा भी बहुत जल्द आएगा जब बीजेपी के लोग कांग्रेस पर हंसेंगे। अब कांग्रेस सिर्फ हंसने भर के लिए बची है, उस पर बहुत ज़्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है। जनता सब समझ रही है, मामला बीजेपी का है, समय बीजेपी का है, नरेंद्र मोदी का है और मोदी जी की गारंटी पूरे देश की जनता को योजनाओं की गारंटी दे रही है। राजीव गांधी कभी कहा करते थे कि जब मैं 1 रुपया भेजता हूं तो अमेठी पहुंचते पहुंचते 10 पैसा बचता है। आज किसी की मजाल नहीं है जो 1 रुपये में से 10 पैसा क्या 1 पैसा भी ले सके। जनधन खाता, ये मोदी की ऊंची सोच का परिणाम था जिसके माध्यम से सारी योजनाएं लोगों के खाते में पहुंच रही हैं। जनता बहुत समझदार है, ये दो लड़के जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। धन्यवाद। दो लड़के बेवकूफ नहीं बना सकते जनता, ये गलत बात है। लोगों की सोच है इस तरह से जो है, ये गलत बात है, बेवकूफ बनाएंगे, सुन लीजिए, यही है कांग्रेस। ये गलत बात है जो आप जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है इस तरह से हरकत करते हैं, केवल परेशान करना चाहते हैं। लेकिन इस बात को आप जान लीजिए, चुनाव होने जा रहा 2024 का, एक ऐतिहासिक जी है, अमेठी पार्लियामेंट में गांधी परिवार चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीत कर जाएगा, ये गारंटी है। परिवार आएगा यहाँ से और चुनाव लड़ेगा।
गांधी परिवार आए या ना आए इस पे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, और आए भी तो उन्हें पिछली बार से ज्यादा इस बार हरा के यहाँ से भगाया जाएगा। और जैसे अभी उनकी अमेठी में न्याय यात्रा आई थी, यहाँ पे जितने लोग हैं सब ने उनकी न्याय यात्रा देखी, जो बाहर से किराए पे भीड़ मंगाए थे वो वही भीड़ वो बाहर से ही लेके आए, क्योंकि यहाँ से तो कोई उन्हें वोट यहाँ किसे खरीदेंगे वो वोट में बताइए, बाहर वाले यहाँ पे आके वोट नहीं देंगे, यहाँ पे अमेठी की जनता वोट देगी, ना कि कोई बाहर से बुला लें, इटली से बुला लें, फ्रांस से बुला लें, कहीं से कोई बुलाने का कोई मतलब नहीं है उनका। और वो कौन सी न्याय यात्रा कर रहे हैं बताइए, उनके साथ कितने लोग हैं यहाँ पे, ये हमारा ककवा रोड का एक ओवरब्रिज था, वो जब वो सांसद थे वो यहाँ पे आके बोले आप लोग परेशान ना हो, ये कोई भी ओवरब्रिज नहीं बनेगा, और उसके वजह से 4 लाख लोगों को परेशानी होती थी, केवल चंद लोगों के लिए 4 लाख लोगों को परेशानी होती थी, और आज वो ओवरब्रिज जब जाके बना तो उसी ओवरब्रिज के ऊपर से आए और अमेठी में अपनी न्याय यात्रा दिखा रहे हैं, इनके न्याय यात्रा का कोई मतलब नहीं है। और ये जो दो अखिलेश और राहुल एक साथ हुए हैं, ये चोर चोर मौसेरे भाई और कुछ नहीं कर पाएंगे, और कल अखिलेश यादव के 8 विधायक उनके मीटिंग में ही नहीं गए, इनकी बोलती बंद हो गई, क्या ये लोग बताएंगे बताइए। यूपी में जो कांग्रेस और सपा का जो हुआ है इस पे क्या कहना है आपका? पहली बात तो चच्चा जो हमारे हैं चच्चा के पास आदमी नहीं मिल रहे हैं, चच्चा कर लेना था भाई जी तो यहाँ से, इनका तो अभी कह रहे 400 पार ना, मैं कह रहा हूँ 800 पार, अबकी 400 पार नहीं दिखेगा आपको, 800 पार दिखेगा, मौके पे देख ली चच्चा को आदमी नहीं मिल रहा है, चच्चा को यहाँ कट लेना था। महोदय यहीं पर कैमरा घुमा के देख लीजिए, 70 लोग यहीं अकेले बीजेपी के खड़े हैं, तो गांव में 700 लोग खड़े हैं बीजेपी के लिए, कांग्रेस का तो एक मेंबर कोई बोलने वाला मिल ही नहीं रहा है, कांग्रेस का एक मेंबर नहीं है, कांग्रेस का कांग्रेस और सपा अच्छा सबका पूरा कभी 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 जुर्म में भी 2-4 लोग मिलते हैं, लेकिन यहाँ तो जुर्म के लिए 1 लोग भी नहीं मिल रहे जो कांग्रेस के साथ खड़े हो। क्या लगता है कि कितना असर डालेगा राहुल गांधी की यात्रा? अब यात्रा के बारे में तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन जो देश के प्रमुख मुद्दे होने चाहिए वो बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा, जिस देश में इसका उत्थान होगा वो देश सबल और मजबूत होगा। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी यात्रा को लेकर मिला जुला शब्द मिल रहा है, अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2024 के चुनाव में किसका पल्ला भारी होगा। अमेठी से आलोक रंजन, न्यूज़ स्टेट।